कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई, तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप, हाथ जोड़ बोली कन्या सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। जन्म तुम जाके उनके घर, फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया। राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया, त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। समझाया, अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का।
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। पर आने का मुझे है यार, ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करने लगी प्रभु का ध्यान, अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते हैं। विश्व रूप में क्यों आई ये हम।
कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल, क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ। सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ, बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी। से कुछ पूछन चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं। चिंता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। कन्या के बारे में श्रीधर बतला।
सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखत है वो कैसे हमको करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। Thank you.
जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरो होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरो पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरो ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बात तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं माता के दर्शन कर भैरो मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पाल तो शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम।
सर्वितुर वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मैया धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत श्री मात का भक्तो ये कहला महामंत्र श्री मात का भक्तो ये कहलाए महामंत्र के जाप से मैया होती सहाय रे भक्तों मैया होती सहाय। दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश चरणन में वंदन करे ब्रह्मा विष्णु महेश रे भक्तों ब्रह्मा विष्णु महेश। तू दुर्गा तू कालिका तू सिंह की असवार तू दुर्गा तू कालिका सिंह की असवार संतों को मातारती असुरों को दे मार भवानी असुरों को दे मार। अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे भवसागर से तार के टुकड़े सब हर ले है मैया खड़े सब हर ले। जग जननी भुवनेश्वरी माँ जग की आधार जग जननी भुवनेश्वरी जग के आधार तुम्र कृपा से उमा चलता ये संसार ओ मैया चलता ये संसार। क्रोध मद नाश करे पाप का करे विनाश काम क्रोध मद नाश करे पाप का करे विनाश उन सब में आशा भरे जो है भक्त निराश ओ भक्तों जो है भक्त निराश। मन से आवाहन करो
आदिशक्ति जगदम मन से आवान करो आदिशक्ति जगदम भक्तों को माता आरती करती नहीं विलंब रे मैया करती नहीं विलंब मुकुट है स्वर्ण का गल सोने का हार माथे मुकुट है स्वर्ण का गल सोने का हार एक हाथ त्रिशूल है एक हाथ तलवार मैया के एक हाथ तलवार भैरो लांगुर भी चले माँ के अंग और संग भैरो लांगुर भी चले के अंग और संग वहां विराजे माँ मेरी जहां होए सत्संग रे बातो जहां होए सत्संग चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान वर मुद्रा वर दात्री देती अभय वरदान ओ मैया अभय वरदान काल भी मैया से डरे भय भी हो भय भी काल भी मैया से डरे भी हो भयभीत जैसी जाकी भावना वैसी माँ परतीत है होती वैसी माँ परतीत अंधन को आंखें मिली बांझन को संतान अंधन को आंखें मिली बांझन को संतान कोढ़िन को काया मिले दे अभय वरदान रे भक्तों दे अभय वरदान शुक्रवार प्रिय मानती शुक्र जो मंदिर जा शुक्रवार प्रिय मानती शुक्र जो मंदिर जाए दर्शन पाए मात का मुक्ति का फल पाए वो बता मुक्ति का फल पाए कंचन थार सजाई के आ
आरती तुमरी गाय, कंचन थार सजाए के आरती तुमरी गाय। चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगाए ओ मैया, चंदन तिलक लगाए।